हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग कल शाम का और आज दोपहर तक का है। तो ये कल शाम का है, शाम को खाने में बनाने लगे थे आलू बोड़े की सब्ज़ी। तो आलू बोड़े को अच्छे से फ्राई कर लिए थे और कच्चा आलू था उसको काट के फ्राई कर लिए थे। सरसों के तेल में हरी मिर्च लाल मिर्च डाले और मेरे पास टमाटर की जो चटनी थी वो टमाटर की चटनी इसमें डाल दिए थे। और तो चटनी थोड़ी कम थी तो आधा टमाटर भी डाल दिए थे। और जितने जो मसाले होते हैं ना वो सारे मसालों को इकट्ठा करके लिए एक बाउल में, और उसके बाद सब में को मिक्स करने के बाद उसमें पानी मिला के इस तरीके से पेस्ट बना लिए। और ये पेस्ट डाल दिए जो टमाटर की प्यूरी थी उसमें डाल दिए थे। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है अगर इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ ढेर सारा मिर्चा था, टमाटर था, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे और पैकेट में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर देंगे। फिर यहाँ पर सब्ज़ी भी मेरी धीरे धीरे रेडी हो चुकी है, मसाला अच्छे से पक चुका है और जो बोड़े को और आलू को फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देते हैं। मसाले में वही बेसिक से मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी और जो मसाले होते हैं गरम मसाले वो। फिर उसको अच्छे से जब मसाला अच्छे से पक गया तो इसमें बोड़ा और आलू ऐड किए, उसके बाद डाल देते हैं नमक। तो सब्ज़ी को आप ऐसे भी खा सकते हैं, तो दाल चावल से ही सब्ज़ी इस तरीके से भुजिया हो तो बहुत अच्छी बनेगी लगती है। और नहीं तो अगर रोटी पराठे से खाना है तो इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। तो इसमें हम पानी डाल देंगे क्योंकि शाम का टाइम है तो रोटी या पराठा ही खाते हैं, दाल चावल कुछ रहता नहीं है। कभी कभी चावल अगर बच जाता है तो उसको फ्राई कर देते हैं शाम को। तो यहाँ पानी ऐड कर दिए, इसको अब ढक देंगे और फिर जब इसका पानी पक जाएगा तो बनके ये बिल्कुल रेडी हो गया। खाए पिए सब लोग, उसके बाद किचन की सफाई किए और सुबह का तैयारी जो रात में सारा चना है, बादाम है, राजमा है, ये सबको भिंगाना रहता है तो इसको भिंगा रहे थे। तो सबको बारी बारी से अलग अलग कटोरी में ले लिए थे क्योंकि सबको सब नहीं पसंद है। किसी को राजमा नहीं पसंद तो किसी को खड़ा मूंग जो होता है वो नहीं पसंद है। तो क्या करना है, अकेले अलग अलग बर्तन में इसको भिंगाते हैं ताकि हमें आसानी रहे देने में, क्योंकि अगर मिक्स करके भिंगा देते हैं तो छाटने में दिक्कत होता है। तो लगता है जिसको जो पसंद होगा धुल के रख देते हैं सुबह, फिर अपना निकाल निकाल के जिसको जो खाना होता है वो निकाल के अपना ये लोग खाते पीते रहते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से पहले एक पानी में अच्छे से वॉश कर दिए। तो चना और राजमा बड़ा पीस होता है इसलिए इसको एक साथ भिंगा दिए थे। और जो ये खड़ा मूंग है बहुत ही छोटा होता है तो इसको छाटना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको अलग कटोरी में बहुत थोड़ा सा भिंगाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा जिसको भी अच्छा लगेगा वो ले लेगा। फिर यहाँ चने और राजमे को एक अच्छे से साफ़ पानी से दो बार धुल लिए और अब साफ पानी इसमें भर दिए और अलग अलग से सबों को भिंगा दिए हैं। और यहाँ पर था आ गया था अखरोट, तो अखरोट को भी डाल देंगे डिब्बे में। तो ये अखरोट बहुत ही अच्छा लगता है, तो सभी को पसंद है हमारे यहाँ। तो जब ये सब लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या कभी कभी भूख लग गई और कुछ नहीं है नाश्ते में तो थोड़ा बहुत ये दो चार अखरोट खा लेते हैं तो पेट बहुत भरा भरा सा लगता है और हेल्दी भी होता है, इसलिए अखरोट को हमेशा खाना चाहिए। तो जब कुछ भी न रहे, शाम को भूख लगे हल्की हल्की सी, तो आप अखरोट खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, तो उससे पेट भी भरा रहता है और हेल्दी भी होता है। और ये है खजूर, डिब्बे वाला खजूर जो बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी होता है, तो ये बच्चों को बहुत पसंद है, मेरा भी ये फेवरेट है। तो डिब्बे में ये हमेशा हम मंगाते हैं और इसको भी बीच बीच में सब लोग खाते पीते रहते हैं। उसके बाद सुबह बनाना था सूजी का उल्टा, तो रात में ही सूजी को भिंगा दिए थे और फ्रिज में स्टोर कर देंगे क्योंकि गर्मी का दिन है तो बाहर रखना ये ख़राब हो जाएगा। तो सूजी में डाल दिए थे दही और हल्का सा पानी डाल के मिक्स करके इसको रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। और सुबह जब बनाना होगा तो उल्टे को उल्टा सुबह जब बनाना होगा तो सुबह फ्रिज से निकाल लेंगे 20 मिनट पहले ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर इसको बस पानी डाले और दही डाले, अच्छे से मिक्स करके रख दिए। और यहाँ पर मेरा तैयार हो गया था चना, बादाम, जो भी चीज़ भिंगाना था सुबह के लिए वो सारा चीज़ हो गया था और इसको अब बारी बारी से ढक के रख दिए। रात हो गई, सब लोग सो गए, हो गई सुबह, यानी ये आज सुबह का ब्लॉग है। तो फटाफट से पूरे घर में झाड़ू पोछा सब किए, करने के बाद बाथरूम में आ गए, बाथरूम में धुलने लगे ये पोछा जो
धुलना था तो पोछा सारे कमरे में लग चुका था। ये जो कूड़ा उठाने वाला है इसको भी बहुत अच्छे से धुल देते हैं ताकि गंदगी जो रह जाती है इसमें तो देखने में भी ख़राब लगता है। तो इसको पहले झाड़ू से साफ़ किए, फिर उसके बाद ब्रश से इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे ताकि इसमें डेली कूड़ा उठाना होता है तो बाथरूम का हम एक अलग रखते हैं और कमरे में जो कूड़ा उठाते हैं उसको अलग रखते हैं। तो वहाँ पर साफ़ सफाई हो गई, नहाए धोए और पूजा पाठ किए, उसके बाद आ गए किचन में और बनाने लगे चाय। तो यहाँ चाय बन चुकी थी सबके लिए। उसके बाद नाश्ता बनाना था तो नाश्ते में जो सूजी भिंगाए थे सूजी का उल्टा बनाने लगे सबके लिए। तो सूजी के उल्टे को भी बहुत तरीके से बनाते हैं, इसको आप उत्पम की तरह भी बना सकते हैं, सूजी का उल्टा भी बना सकते हैं, सूजी की इडली भी बना सकते हैं। तो ये बहुत अलग अलग तरीके से सूजी की रेसिपी भी बनती है और बहुत सी रेसिपी सूजी की अपलोड भी कर चुके हैं हम। तो सूजी का इडली बहुत टेस्टी बनता है, उसको भी हम अपलोड किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हों तो जाके ज़रूर से देखें कि सूजी का इडली बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ बातों बातों में उल्टा भी बनके रेडी हो गया है। इसमें सिर्फ हम प्याज और हरी मिर्च, जीरा, नमक ये डालते हैं, सुबह जब फ्रिज से निकाल लेते हैं बनाने के 20 मिनट पहले, क्योंकि टमाटर या और भी सब्जियाँ किसी को पसंद नहीं है, ना बच्चे खाते हैं ना हमें पसंद है। तो ये इस तरीके से ही बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। फिर यहाँ बनाने लगे स्पेशल सी चाय जिसमें ढेर सारी तुलसी डाले हैं, काली मिर्च डाले हैं। चाय बनके रेडी हो गई, यानी कि पूरा नाश्ता अच्छे से सब लोग कर लिए थे। अब बारी आ गई है खाना बनाने की और मसाला मेरे पास नहीं था। तो यहाँ जो घर में हम बनाते हैं होममेड मसाला, बहुत ही बढ़िया मसाला ये बनके तैयार होता है। तो आइए दिखाते हैं आपको किस मसाले में क्या क्या हम लेते हैं जो हमेशा हम अपने घर में रखते हैं। तो मार्केट से ज़्यादा घर का मसाला हम लोगों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर जीरा था और ये बड़ी इलायची थी, लौंग है, छोटी इलायची है। तो मेरे पास ये ख़त्म हो गया था, यहाँ पे जावित्री और ये सब नहीं था। तो जो था बस वही मसाला हम तब भी बनाते हैं और अच्छा बनता है। तो यहाँ पर डिब्बे में इकट्ठा सारा मसाला ले लिए थे और काली मिर्च भी ख़त्म हो गई थी। तो इकट्ठा काली मिर्च हम पीस लेते हैं क्योंकि हमें चाय में बहुत पसंद है। ब्रेड बच्चे जब सेक के खाते हैं तो ऊपर से ब्रेड में भी काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ दालचीनी ले लिए हैं, 2-3 लाल मिर्च ले लिए हैं और तेज पत्ता ले लिए हैं। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है मसाले में ये कस्तूरी मेथी। इसको आप अगर मसाले में डाल देंगे तो मसाले का महक और खुशबू बहुत ही हटके होती है, जो हमेशा हलवाई लोग इस मसाले को ज़रूर उसमें कस्तूरी मेथी और तेज पत्ता ऐड करते हैं। तो यहाँ जो दरदरा था काली मिर्च वो भी ले लिए क्योंकि खड़ा जो काली मिर्च था वो नहीं था मेरे पास। और मसाले बिना, इस घर के मसाले के बिना मेरी सब्ज़ी अधूरी होती है। तो ये मसाला मेरा हमेशा मेरे पास मिलेगा और नहीं रहता है तो जो भी रहता है उसका ही हम घर में मसाला बना लेते हैं। तो ये मसाला अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो पनीर की सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी अगर मसालेदार आप बनाते हैं तो ये मसाला उसमें डालिए, सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जितने मसाले थे सारे मसालों को तावे पे हल्का सा रोस्ट कर दिए हैं। रोस्ट करने के बाद जब आप मसाले को पीसेंगे ना तो मसाले से खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो जो मसाले आपको लगते हैं जल्दी जल जाएंगे तो उसको पहले आप रोस्ट करके निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो बड़ी इलायची है, लौंग है, इसको बाद में भी वो कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ काली मिर्च एक डिब्बा पीस के रख देते हैं। तो काली मिर्च तो मेरे घर पे आपको हमेशा मिलेगा क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। तो यहाँ मसाले मेरे रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप मसाला पीस चुके हैं। तो इसको आप बहुत बारीक भी पीस सकते हैं, बहुत दरदरा भी पीस सकते हैं। तो ये मेरा मसाला जो बहुत ही बढ़िया है बनके घर का रेडी हो गया है। तो क्या आप लोग भी घर में ही मसाला बनाते हैं? मसाले में और क्या क्या आप लोग डालते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो हो गया रेडी, धनिया पाउडर पीस लिए थे और जीरा भी पीस के हम रख लेते हैं जो दही में हमेशा पड़ता है। और बनाने लगे थे सब्जी, सब्जी बहुत ही अलग तरीके से बनाए थे, आलू दम बनाए थे जिसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं था लेकिन बहुत टेस्टी बना था। तो ले लिए थे सरसों के तेल में हरी मिर्च डाले थे, अदरक थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए और जो आलू बॉयल किए थे उसको आप चाकू से काटिए, हाथ से मैश मत करिए, चाकू से इसको पीस पीस काट दीजिए। और जो आलू बॉयल किए हैं उसको बहुत ज़्यादा
गलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं होना चाहिए, मतलब पीस खड़ा खड़ा होना चाहिए, तभी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है ये। तो जब जीरा और मिर्चा डाले थे, अदरक डाले थे, उसमें ये आलू ऐड किए और आलू थोड़ा सा फ्राई हो गया, तो इसमें डाल दिए काला नमक। काला नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस सब्ज़ी में। और यहाँ डाल दिए थे रेड चिली पाउडर और जो गरम मसाला अभी पीसे हैं वो डाल दिए, चाट मसाला डाले हैं और सब्जी मसाला डाले हैं। चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, फिर प्लेन नमक डाले हैं जो हम लोग हमेशा डेली यूज़ में खाते हैं नमक, वो नमक डाली, यानी कि काला नमक और सादा नमक जिसको हम लोग बोलते हैं वो डाल दिए, गरम मसाला डाल दिए। और ये आलू फ्राई हो चुका था, सारे मसाले अच्छे से पक गए। फिर इसमें डाल दीजिए कसूरी मेथी जो बहुत टेस्टी लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिल्कुल। इसको आप चाय से खाइए, पूड़ी पराठे से खाइए, दाल चावल से खाइए, ये बहुत यूनिक आलू दम है जिसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल चाट की तरह लगता है, बहुत चटपटा बनता है। कम से कम ये तो सिखा दिया। तो आज खाने में यही बनाए, आलू दम था, रोटी बना दिए थे, रोटी जिसको पसंद है तो रोटी बनाए, किसी के लिए पराठा बनाए, तो रोटी बन के रेडी हो चुका गर्मा गर्म, और एक साइड में बना दिए थे पराठा तो रोटी बन गई। तो ये था आज मेरा दोपहर का खाना। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर आप लोगों से मिलते हैं नए ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ बातों बातों में रोटी भी बन गई है, पराठा भी बन के रेडी हो गया है। तो ये था आज दोपहर का खाना और मेरे घर की दही जो हम जमाते हैं, जो बहुत अच्छी जमती है, आप देख सकते हैं कितना थिक है, कितना गाढ़ा है। तो इसको लास्ट में निकालते हैं, चीनी से हमको पसंद है तो हम चीनी से खाते हैं, और मेरे हस्बैंड को पसंद है। इसमें डाले हैं जीरा पाउडर जो घर का होता है, भूंज के अच्छे से पीस के डिब्बे में रख देते हैं, जीरा पाउडर डाल दिए, और ये काला नमक है तो दही में काला नमक बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ काला नमक डाले, जीरा पाउडर डाले, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाले। तो ये हो गया था हम लोगों का दोपहर का खाना। फिर खाना खाने के बाद, भाई गर्मी है तो कुछ ना कुछ फल तो खाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो खाना हम लोग खाते हैं तो गर्मी में अच्छे से खाना हम लोगों का पच सके। इसलिए खाना खाने के बाद गर्मियों के दिन में दोपहर में ज़रूर से फल खाना चाहिए। तो यहाँ तरबूज था, तरबूज को काटे, खाए पिए सब लोग। उसके बाद हो गई शाम, शाम को मेरा बेटा बाहर निकला, कुछ ना कुछ हम लोग हंसी मजाक करते हैं, आपस में बात करते हैं। वो आया और हम वीडियो बनाने लगे, वो समझ गया कि हाँ मम्मी वीडियो बना रही हैं, और हम लोगों का हंसी मजाक चालू हो गया। देखिएगा, इंजॉय करिए, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ माँ बेटी शाहरुख खान लग रहा है, आप देख सकते हैं। बोलो रोटी सेके हैं, रोटी हाँ। क्या बात है।